चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल सीजन 13 में खराब फॉर्म सोमवार को भी जारी रहा। शेख जायद स्टेडियम में उसने राजस्थान के हाथों 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद कप्तान एमएस धोनी ने भी माना कि सीजन में उनकी टीम वाकई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। धोनी ने मैच के बाद कहा कि हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कि आप सोचते हैं, इसलिए हमें देखना होगा कि क्या हमारी प्रक्रिया गलत है। परिणाम तो प्रक्रिया का एक हिस्सा है, हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन एक बात सच्ची है कि अगर आप प्रक्रिया पर ध्यान दोगे तो परिणाम का दबाव ड्रेसिंग रूम में नहीं आएगा। आप बहुत अधिक बदलाव नहीं चाहते क्योंकि 3-4-5 मैचों में आप किसी चीज को लेकर सुनिश्चित नहीं होते। धोनी ने संकेत दिए हैं कि टीम बचे अब बाकी 4 मैचों में युवाओं को टीम में अधिक मौका दिया जा सकता है। कप्तान ने भी कहा कि आप खिलाड़ियों को एक उचित समय देना चाहते हैं और अगर वो प्रदर्शन नहीं कर रहे तो आप दूसरों को मौका दे देते हैं। मैं टीम में असुरक्षा का भाव नहीं चाहता, काफी हद तक इस सीजन में हमने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। धोनी ने भी कहा कि ये सही है कि हमने इस बार युवाओं को उतने मौके नहीं दिए। ऐसा भी हो सकता है कि हमें अपने युवाओं में जुनून न दिखाई दिया। हम आगे उन्हें मौका दे सकते हैं और वो बिना किसी दबाव के भी खेल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इस हार के बाद धोनी काफी ज्यादा टूटे हुए नजर आए और उन्हें सीएसके की काफी चिंता नजर आई। खास बात यह है कि यहाँ पर काफी कुछ सोचने के लिए सीएसके की टीम के पास भी है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और इन्हीं सीनियर खिलाड़ियों की वजह से यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इतनी बुरी हो गई है। केदार जाधव और पीयूष चावला जैसे खिलाड़ी टीम में रहना डिजर्व नहीं करते हैं, तो अब देखना है कि एमएस धोनी और क्या बड़ा फैसला लेते हैं। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।